क्रिकेट से रिलेटेड तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो चलो शुरू करते हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने वाले क्रिकेटर फवाद आलम ने वर्ल्ड कप में शरीक कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि मेगा इवेंट से पहले वहां के माहौल में डर जाना फायदेमंद साबित होगा। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए फवाद आलम ने कहा कि वो टीम में शामिल ना किए जाने की हकीकत को जुटला नहीं सकते, मगर उनकी नेक तमन्नाएं वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाने वाली टीम के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैं मायूस नहीं हूं क्योंकि ये तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि ये बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए कौम को खुशखबरी दे। उनका कहना था कि जब मेरी किस्मत में होगा टीम में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरी तमाम तर हिमायत उन खिलाड़ियों के साथ है जो मेगा इवेंट के लिए टीम में शामिल हुए हैं। वाज़ेह रहे कि फवाद आलम ने साल 2015 में पाकिस्तान की जानिब से आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेला था और उसके बाद से अब तक मौका मिलने के मुंतजर हैं। तो दोस्तों, ये थी फवाद आलम के हवाले से कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया। दोस्तों, आपने तो वीडियो देख ली, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में घंटी के बटन पर भी लाजमी प्रेस करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।